हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज है गणेश जी का विसर्जन वाला दिन, मतलब कि भाई बेचारे गणपति पप्पा चले जाएंगे। नहाकर रेडी हो गया, भाई बाल अजीब से हो रहे हैं, नीचे ही नीचे गिर रहे हैं पता नहीं क्यों। तो बस अभी विसर्जन का टाइम है, ये देखो 9:30 बज रहे हैं और 10 बजे के समथिंग निकलेंगे। अभी तो लास्ट आरती कर रहे हैं, इस साल की लास्ट आरती है ना, अगली साल भी करेंगे, वैसे तो घर पर भी करते हैं, बट यहाँ गणेश जी की लास्ट आरती है। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं और बाहर आरती करते हैं। वैसे कैसे पापा जी भी घर पर हैं, तो पापा जी भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि भाई कार में तो चला नहीं पाऊंगा। पापा जी जाएंगे, चलाएंगे पापा जी कार से। तो चलो फिलहाल अभी आरती करते हैं और फिर चलेंगे विसर्जन के लिए। चलो अब आरती होगी और ये तो बूंदी और सेब रख दिए यहाँ पर बांटने के लिए। चलो करते हैं लास्ट आरती। चलो अब गणेश जी के गुलाल लगा जाएगा, बेचारे चले जाएंगे, फिर अगली साल आएंगे। अब तो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति अगले बरस तू। बस पापा जी ने गाड़ी निकाली और दूसरे अंकल की गाड़ी है, मैं पीछे आगे कर रहा हूँ। अब आगे और लगानी है भाई ये, तो चलो अब आगे लगा देते फटाफट। चलो भाई धीरे धीरे फूल एकदम मजे में मस्ती में। उठ गए गणेश जी पप्पा, गणपति पप्पा, गणपति पप्पा मंगल मूर्ति अगले बरस तू। चलो कार तक लेगा, अब चलते हैं फटाफट पोइया घाट विसर्जन करने, मस्त मस्ती करते हुए। आप लोग पहुंचो, हम आ रहे हैं, ठीक है, संग संग चल रहे हैं। चलो सामने वाली आंटी के भी साथ साथ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आकर आरती होगी खुले में, आ जाओ जल्दी दिया बुझ जाएगा। जय गणेश, जय गणेश देवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गाड़ी भर रख दिए भाई गणेश जी, पापा जी संभाल के नीचे की तरफ नहीं हो जाए टेढ़े। चलो लेकर विसर्जन के लिए, दोनों गणेश जी एक साथ जा रहे हैं विसर्जन करने। अभी अंदर चले हम लोग थोड़ा थोड़ा। चलो चलो फिर यमुना जी की जगह यहीं करना पड़ेगा, यहीं कुंड में ही करना पड़ेगा, कुंड बना रखा है यहाँ पर। चलो यहीं पर कर देते हैं फिर, जैसा इच्छा गणेश जी की। चलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति अगले बरस तू। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति अगले बरस तू।
अब चलते हैं घर पर, अब नेक्स्ट ईयर आएंगे हैं हम। मेहदी आंटी, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी घर पर। तो गाइस अभी विसर्जन कर कर आए थे और वहाँ से आकर थोड़ी देर आराम आराम कर रहे थे और भाई समेटा सा पार्टी कर रहे थे। तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं ब्लॉग बनाने लायक, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो हाँ भाई अभी सारी समेटा सा पार्टी कर दी है, जैसे कि आकर झाड़ू वाड़ू लगाई थी क्योंकि घर गंदा हो रहा, तो गुलाल वुलाल लग गया था घर पर, फ्लोर पर गुलाल फैल गया था। तो उसके बाद फिर भाई अभी तो चेहरे पर भी देख पा रहे हो, हाथ वाथ पर गुलाल लग रहा है। तो भाई उसके बाद हमने जितनी भी जो साफ सफाई करनी थी ना, जैसे कि टेबल का पिंक वाला कपड़ा हटाकर उसका नॉर्मल कवर बिछा दिया, चौकी हटा दी, पीछे झल्लर हटा दी, ऊपर साड़ी बंध रही थी पूरी, वो सब हटा दी, सब काम करती, फिर थोड़ी देर आराम करा था। और भाई अब थोड़ी देर सोकर उठे हैं सच बताऊँ तो। बाकी ये देखो 4:35, 3:25 हो रहे हैं भाई, और अभी मम्मी जी तो लेटी हुई हैं, पापा जी आ गए थे, पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही है तो पापा जी भी सो गए। ये देखो भाई पापा जी सो गए, मम्मी जी मस्त यहाँ पर सो ही गई, नहीं लेटी हैं। लवी तो उत्तम कर रही है, इसने बाल भी कटवा लिए आज, मम्मी जी के साथ जाकर कटवाई थी। और बाकी पढ़ रहा था, तो चलो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, कंप्यूटर का वर्क करना है, चलो वो करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, कोचिंग का भी टाइम हो रहा है भाई। तो अभी गाइस फिलहाल पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैं चला गया था कोचिंग, और अभी अभी कोचिंग से आया हूँ। और अभी भी मुझे पता चला कि भाई आज सिद्धि का बर्थडे है, तो उसी से बुलाने हैं, केक वेक लेने चले भाई, तो मैं अभी जाऊँगा केक वेक लेने। तो केक वेक तो चलो लेने जाएंगे और फिर मिलते हैं डायरेक्ट केक कटिंग के टाइम पर, क्योंकि केक लेकर आएंगे भाई भागे भागे जाएंगे, और वैसे भी दोनों हाथ घिरे रहेंगे मेरे। तो चलो चलते हैं अभी केक लेने और फिर आकर ही मिलेंगे डायरेक्ट आपसे। सिद्धि का बर्थडे आज, मुझे तो आज दोपहर में, ओ ये क्या खा रही है, वो केक पर जो डॉल लग रही थी वो खा रही है। मुझे तो सिद्धि सच में दोपहर में पता चला आज तेरा बर्थडे है। टीचर तुझे कब पता चल गया था सिद्धि का बर्थडे का? पता था मुझे तो दोपहर में पता चला था, मैंने कहा आज सिद्धि का बर्थडे है। 2000 years later. तो अभी इस केक भी कटिंग तो कर कर आ गए हैं, और बाकी अभी भाई मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है, अजीब सा हो रहा है भाई, पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है। सब सच बात बताऊँ तो एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि 2-3 दिन रह गए भाई, और अभी फ़िलहाल बाद का बाकी का रीज़न मैं बताऊँगा कल, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा डिस्कसमेंट नहीं करना चाहता। अब बस मैं सीधा पढ़ने बैठा हूँ और रात पूरी रात तक पढ़ूंगा भाई, कुछ भी हो जाए मुझे इस बार एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है। मैंने देखा ना अभी कि SST मुझे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, तो भाई डर सा लगाया। तो हाँ गाइस चलो फिलहाल अभी मूड भी ख़राब हो रहा है, तो चलो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।